नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको टूथपेस्ट के बारे में बताऊंगा, जो पतंजलि का एक प्रोडक्ट है, और इसको यूज करने के फ़ायदे कारण भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ब्रश करने का सही समय क्या होता है। आमतौर पर हम ब्रश करते हैं सुबह, तो सुबह को ब्रश करना गलत भी नहीं है, लेकिन सही समय होता है ब्रश करने का रात में भोजन के बाद, क्योंकि रात में जो भोजन हम करते हैं, उस भोजन के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, हमारे दांतों में फंस जाते हैं, और ये भोजन के छोटे पार्टिकल्स ही दांतों की सड़न का कारण बनते हैं, क्योंकि इन पार्टिकल्स को खाने के लिए जो जर्म्स होते हैं, उस पार्टिकल्स को पचाने के लिए कुछ एसिड का स्राव करते हैं, और ये एसिड फाइनली दांत को सड़ा देता है। तो दांत को सड़न से रोकना है तो ब्रश करने के लिए जो समय है वो सुबह तो ठीक है, ऐसा नहीं कि सुबह बंद कर देना चाहिए, लेकिन रात में भोजन के बाद ब्रश जरूर करें। ब्रश करते समय जिस पेस्ट का यूज़ किया जाता है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेस्ट यूज करते हैं, किन कारणों से करते हैं। तो मैं पतंजलि का दंत कांति यूज करता हूँ। इसको यूज करने का कारण यह है कि इसमें जो इन्ग्रीडियंट है बनाने में, इसको बनाने में जो इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, जिन चीज़ों से मिला के चीज बनाया गया है, वह पूर्णतः आयुर्वेदिक है, और आयुर्वेदिक तत्वों से मिलकर बनाया गया है, जैसे कि अगर करा, नीम, बबूल, तोमर, पुदीना, लौंग, पिपली, वज्रदंती, बकूल, बिडंग, हल्दी, पीलू, माजूफल, ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, और या फिर पौधे या पेड़ भी कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें लौंग का यूज किया गया है, और लौंग और तोमर का, लौंग और तोमर दांत के दर्द को ख़त्म करता है। लौंग का तेल दांत के दर्द में काफ़ी फायदेमंद होता है, साथ ही साथ नीम कीटाणु रोधक होता है, कीटाणु को मारता है, और इसका यूज करने के लिए जो कंडीशन दी गई है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे इसका यूज न करें, क्योंकि इसमें जो केमिकल भी कुछ यूज किया गया है, और उसको यूज करने का रीजन भी है, ऐसा नहीं है कि इसको बनाने में सिर्फ आयुर्वेदिक तत्वों का यूज किया गया है, कुछ केमिकल भी हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट एक बेस होता है, इसको हिंदी में हम क्षार कहते हैं, केमिकल है, और ये इसलिए होता है क्योंकि जो हम खाते हैं उसके पार्टिकल्स जो दांत में फंसते हैं, और उन पार्टिकल्स को खाने के लिए जो जर्म्स हमारे मुंह में हैं, उन पार्टिकल्स को पचाने के लिए कुछ एसिड का स्राव करते हैं, और वो एसिड दांत को सड़ाता है। तो अगर हमारे टूथपेस्ट में बेस होगा तो बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और एसिड दांत पे अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाता। तो दांतों को सड़न से रोकने के लिए कुछ केमिकल का यूज करना ज़रूरी भी होता है, इसलिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का यूज किया गया है, साथ ही साथ सोडियम बेंजोट का भी यूज किया गया है। सोडियम बेंजोलेट का यूज करने का कारण भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट है वो जल्दी ख़राब ना होने पाए, इसलिए इसमें सोडियम बेंजोएट का भी यूज किया गया है। तो कुल मिला के इसमें हर्ब्स का या आयुर्वेदिक तत्वों का यूज ज़्यादा किया गया है, और केमिकल का यूज उतना ही किया गया है जितना अति आवश्यक है। तो अपनी दांतों की समस्या से बचने के लिए और अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए, अगर आप पतंजलि का दंत कांति नेचुरल पेस्ट यूज करते हैं, तो इससे बेहतर विकल्प मेरे समझ से आपके लिए नहीं होगा। और साथ ही साथ जो दांतों की सामान्य परेशानियाँ होती हैं, जैसे मसूड़ों में सूजन और खून आना, इन सब से भी निजात दिलाता है हमारा पंत कांति दंत मंजन। और इसकी जो कीमत है 40 रुपये है, और इसका वेट है 100 ग्राम। 100 ग्राम पेस्ट की कीमत 40 रुपये रखी गई है, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। इससे मार्केट में तुलना करेंगे तो पाएंगे कि इसको सस्ता ही समझेंगे, और इससे कम दाम में 10 रुपये में भी एक पेस्ट उपलब्ध है, और 75 रुपये का भी है, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।